हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फास्ट ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ग्रामीण डाक सेवक। फ्रेंड्स, इसमें बात क्या करने वाले हैं, आपकी जो सैलरी क्या मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, किस प्रकार का इसमें आपको काम करना पड़ता है, और मेनली बात करेंगे यहाँ पर पोस्टें कितनी होती हैं, और साथ ही साथ बात करने वाले फ्रेंड्स इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रियल एंड ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आती है ऑफलाइन ऑनलाइन, सबकी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है पल पल की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर हम सैलरी के बारे में। यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं यहाँ पर पहले पोस्टों के बारे में। देखो भाई, यहाँ पर GDS के अंदर अंतर्गत आपकी तीन पोस्टें निकलती हैं। मेन तो दो ही होती हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक तो होती है BPM, ठीक है, और एक होती है APM यानी कि डाक सेवक, ठीक है। और फ्रेंड्स, इनका मतलब हम बताने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, हम डिटेल्स में आपको पूरी जो डाउट्स हैं आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, BPM की जो सैलरी होती है वो मिनिमम यहाँ पर 12,000 होती है, और APM की जो डाक सेवक की सैलरी होती है यहाँ पर आपकी जो ये बेसिक सैलरी है, ठीक है, 10,000 होती है। और यहाँ पर जो आपकी इनहैंड सैलरी होगी वो जो आप जब जॉब करते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ से 4 से 5 घंटे का इसमें आपको वर्क करना होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई APM और BPM होता क्या है। और फ्रेंड्स, यदि आपकी जो अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हो तो आपके 18 से 40 साल इसमें एज होनी ही चाहिए, ठीक है। 10th के बेस पर आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई होते हैं, और इसमें नॉलेज होनी चाहिए आपको साइकिल की, साइकिल चलानी आनी चाहिए, स्कूटर और मोटर बाइसाइकिल वगैरह, ये चीज़ें सारी आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर APM और BPM क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर APM और BPM की जो अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर जॉब प्रोफाइल, तो पहले इनका मतलब जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ब्रांच यानी कि BPM की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर BPM, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है BPM का मतलब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो वो होती है, मतलब प्रोफाइल जो होती है ना, काम क्या, वर्क क्या करना पड़ता है, तो बात करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पर शाखा डाकघर के लेन देन में जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो वर्क होता है उसका यहाँ पर काम देखना पड़ता है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और IBP हैंडल करने का प्रयोग, मतलब और डिवाइस और मोबाइल और डिवाइस स्मार्टफोन वगैरह ये यदि यूज करना, मतलब ठीक है। और डाक उत्पादों को सेवाओं का विवरण इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाएं और ग्राहक सेवाएं केंद्रों द्वारा जो प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं होती हैं उनको, और CSC और गांवों या ग्राम पंचायतों में जो व्यवसायें होते हैं उनको हैंडल करना, शाखा डाकघर के अधिकारी क्षेत्र में जो मतलब घर घर जो प्रचार करना होता है, और सरकार की अवस्था योजनाओं को लोकप्रिय बनाना, अभिलेखा और रख रखाव हैंडल करना, डिवाइस मोबाइल का रख रखाव, और इन चीज़ों का इनको जो है सुचारू रूप से जो है समय समय पर ये जो है इन चीज़ों को जो डाकघर का कामकाज और शाखा जो होती है सहायक शाखा पोस्ट मास्टर द्वारा उनकी सहायता की जाती है। BPM का मतलब जो यहाँ पर होता है संयुक्त कर्तव्यों को करने की आवश्यकता होती है, जब आदेश दिया जाता है ना इन लोगों को कुछ शाखा हो तो डाकघरों में BPM की पद नहीं हो सकता, ठीक है। और BPO का सारा जो काम BP को ही करना पड़ता है, यानी कि BPM को ही काम करना पड़ता है यहाँ पर, जो जब इस प्रकार से यहाँ पर जो नहीं पद खाली होते तो इन लोगों को यहाँ पर इन मौका दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो भाई BPM की कहानी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर APM क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर APM का जो होता है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, ठीक है, जो होता है आपका APM यानी कि APM असिस्टेंट ब्रांच मास्टर यानी कि सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जो जॉब होती है वो डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री, यानी कि डाक टिकट अगर यदि आप डाक घर में कभी गए होंगे तो वहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो उनसे बोलते हो कि डाक टिकट देना, तो वो डाक टिकट आप लोगों को उठा के देते हैं, और फॉर्म की स्कैनरी जो होती है वो करते हैं, और जो परिवहन वगैरह डाक की सुदुरुपयोग की है ना, IP जो होती है APM के दरवाजे, जो जमा भुगतान अन्य लेन देन, मतलब लेना और देना जमा करना इस प्रकार से लेन देन जो होता है पेमेंट का, वो इन लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। और हेडलाइंस का यहाँ जो काउंटर ड्यूटी होती है वहाँ पर शाखा पोस्ट मास्टर की सहायता करना, यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था APM पोस्ट मास्टर ना, ये होते हैं सहायक, मतलब सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, यानी कि इससे छोटी जो जॉब, मतलब APM जो है मतलब बड़ी पोस्ट है, और APM PA मतलब यहाँ पर BPM की बात करते हैं, BPM बड़ी पोस्ट है और APM इससे छोटी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट मास्टर की सहायता में लगे रहते हैं, जैसे कि डिवाइस हुआ, मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन को जो ये चीज़ें होती हैं इनको मेंटेन करना, और डाक उत्पादों का जो सेवाओं का विवरण होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाएं और ग्राहक सेवाएं जो होती हैं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं के द्वारा CSC गांवों या ग्रामों में व्यवसाय की खरीद
शाखा डाकघर के अधिकारी क्षेत्र में पंचायतें जो होती हैं ये ऐसा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें मेंटेन करना पड़ता है। बाकी तो ये जो ड्यूटी है आपको जब आदेश दिया जाता है तभी जो आपको पोस्टमास्टर की सहायता के लिए यहाँ पर जो अपडेट किया जाता है कि आप जो है डाक सेवक हो या एपीएम, यानी बीपीएम के तो नीचे ही ये वाली पोस्ट, यानी कि एपीएम की जो पोस्ट है ना बीपीएम की नीचे वाली पोस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए। तो बाकी तो दोनों का सेम वर्क होता है, ठीक है। बस आपको ऑफिस में रह के काम करना होता है, ठीक है। और फील्ड वाला काम मैं अभी बता रहा हूँ, या फील्ड को जो डाक सेवक को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं अगली पोस्ट जो है आपकी, मेनली तो दो ही होती है, एपीएम में प्लस आपकी डाक सेवक की जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डाक सेवक, यानी कि एपीएम और डाक सेवक दोनों ही सेम है, पर थोड़ा सा यहाँ पर जो डाक सेवक है उसका उनका फील्ड का काम होता है। डाक सेवकों का उप डाकघर जैसे विभागीय कार्यालयों में लगाया जाता है, मतलब उनको जाना पड़ता है ना, और जैसे प्रधान डाकघर आदि डाक सेवा के जो होते हैं, ठीक है। मतलब एक ये मान के चलिए डाक सेवक जो होता है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गांव गांव में डाक जो होते हैं छोटी छोटी पोस्टें होती हैं, मतलब वहाँ पे आप कोई भी पत्र लेके जाते हो, चिट्ठी वगैरह वो डाल के आ जाते हो, तो डाक सेवक का मतलब ये होता है कि उसको वो मतलब पढ़ेगा, देखेगा और उसको सही जो एड्रेस है उसको पहुँचाना, ये उनका वर्क होता है, ठीक है। तो इनका जो वो होता है ना, यानी कि टिकटों को स्टेशनरी की बिक्री और परिवहन और डाक की डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी का मतलब लाना, मतलब पहुंचाना सही एड्रेस पे, इन लोगों का ये काम होता है, ठीक है। तो भाई बाकी तो पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्य होते हैं, मतलब जो एपीएम यानी बीपीएम और एपीएम जो दोनों लोग ये जो चीज़ें इनको सौंपते हैं डाक सेवक को, ये है उन चीज़ों को ले जाके, जैसे कि पत्र हुआ किसी भी प्रकार के जो है ना जो कॉल लेटर वगैरह होते हैं वो सही समय पे सही और एक डायरेक्शन में पहुंचाना, इन लोगों का काम होता है डाक सेवक का, ठीक है। एपीएम और डाक सेवक दोनों सेम है, बट जो एपीएम की पोस्ट होती है वो ऑफिस में वर्क होता है, और बीपीएम की उन लोगों को कहीं फील्ड का काम करना नहीं पड़ता है, जो डाक सेवक होता है इन लोगों को यहाँ पर फील्ड का काम करना पड़ता है, आना और जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो भाई मैंने सोचा कि यार आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ शेयर कर दी जाएँ, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं, रिप्लाई देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। आई होप कि ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी क्या क्या इनके काम होते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो सैलरी आपकी बेसिक मैंने आपको बता दी है, और बाकी जब आपके जो सिलेक्शन के चांस रहेंगे ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब में आपको सैलरी की जो है इंक्रीज होने को मिलती रहेगी, और इसमें प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चांसेस बनते बनते हैं आपके, प्रमोशन बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप की जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और भाई यदि आप चैनल पर पहली बार हो ना तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।